आज की ठंडी ठंडी रेसिपी प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली है और इसे घर पे बना लिया तब तो फिर मार्केट से कभी लाएंगे ही नहीं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार और आदर से भरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में मटका कुल्फी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे मैं सिर्फ दूध से तैयार करने वाली हूँ। इसमें ना मिल्क पाउडर, ना ही कस्टर्ड पाउडर और ना ही किसी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ दूध को औटा कर इसे बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल प्योर तरीके से घर पे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 लीटर दूध औटा कर रखा है, पर मैं ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। इसमें से सिर्फ 1 लीटर दूध को ही कुल्फी बनाने में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने नीचे पानी डाल दिया है ताकि दूध तली में चिपके नहीं। और लगभग यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध इस कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम औटाते चले जाएंगे। मेरे को थोड़ा सा दूध कम लगा तो लगभग आधा कप मैंने दूध और डाल दिया है। तो जितनी आप कुल्फी बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से आप इसमें दूध की क्वांटिटी ले सकते हैं। कोई खास मेजरमेंट नहीं है इसमें। और खूब अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ उबलते टाइम में ही, ताकि बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा कुल्फी में और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। और अब चूंकि कुल्फी तैयार कर रहे हैं तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा टेस्टी बन जाएगी ये कुल्फी। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं उन्हें ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 काजू, 7 से 8 बादाम लिए हैं। साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इससे ना दूध में फटाफट से थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। ये स्किप भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसको डालेंगे ना तो जल्दी से ज्यादा क्वांटिटी में कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ में और अच्छा फ्लेवर देने के लिए 3 से 4 इसमें मैं हरी इलायची के दाने डाल रही हूँ और आधा कप मैंने दूध डाल दिया है। बस इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे, बिल्कुल बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, पेस्ट जितना महीन होगा ना उतनी बढ़िया कुल्फी तैयार होगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको पीसने में पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। और हाँ, ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना है, वरना कॉर्नफ्लोर के लम्प्स बन जाते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल महीन सा इसका पेस्ट बन चुका है। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही महीन पेस्ट होना चाहिए। तब तक ये दूध भी काफी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और अब इसमें एक हाथ से इस कॉर्नफ्लोर के मिश्रण को मैं डालती चली जाऊंगी और दूसरे हाथ से हिलाते चली जाऊंगी, जिससे कि ये तली में चिपके नहीं, वरना कॉर्नफ्लोर ना तली में चिपकने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ से डालना है और एक हाथ से चलाते चले जाना है और लगातार चलाते रहना है, वरना कॉर्नफ्लोर नीचे जमने लगेगा। तो ये देखिए, इसको डालने के बाद लगभग 5 से 6 मिनट मैं और पकाने वाली हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए दूध और जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं। तो यहाँ पर जब तक ये पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर चीनी निकाल ले रही हूँ। तो मैंने लगभग इसमें डालने के लिए 3/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा और 1 कप से थोड़ा सा कम। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, पर कुल्फी आइसक्रीम में ना थोड़ा सा मिठास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जमने के बाद ना इसकी मिठास थोड़ी सी कम लगने लगती है मेरे हिसाब से। तो मैं हमेशा आइसक्रीम या कुल्फी जब भी घर में बनाती हूँ तो जो मिठास होती है थोड़ी सी हायर साइड पे रखती हूँ। और अब यहाँ पे ऊपर से डालने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम और कट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से पिस्ता, साथ ही साथ में थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। तो यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट कटर है, इससे हम इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो याद करिए, जब ये ड्राई फ्रूट कटर नहीं होता था तो कितनी मुश्किल होती थी इन ड्राई फ्रूट्स को कट करने में। तो आजकल ये ड्राई फ्रूट कटर बहुत आसानी से मिल जाता है, ये कई तरीके के आते हैं। तो इस तरीके के ड्राई फ्रूट कटर को जरूर रखिए, ये बहुत रीजनेबल रेट में मार्केट में मिल जाता है। और ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाना चाहिए, गाढ़ा हो जाना चाहिए दूध, तब तक हमको इसको हटाना है। कॉर्नफ्लोर ना आप ज्यादा मत डालिएगा, चाहे तो 1 चम्मच ही डालिए पर ज्यादा मत डालिएगा, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाएगा कुल्फी का। और यहाँ पर मेरे पास में कुल्फी के मोल्ड है, तो इसमें हम ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं पहले नीचे डालेंगे। और हाँ, वो मिश्रण मैंने लगातार हिलाते हुए उसको ठंडा कर लिया था गैस को बंद करने के बाद में, तो पूरा ठंडा हो जाए तभी डालिएगा इन मोल्ड्स में। और लगातार हिलाते हुए ठंडा करिएगा, वरना ऊपर से मलाई जम जाती है, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। और इन सारे मोल्ड में मैंने इसको डाल दिया है। अब आज अगर आपके पास में मोल्ड है उस तरीके से भी मैं आपको कुल्फी बनाना बताने वाली हूँ, और अगर मोल्ड्स नहीं है ना तो भी बहुत आसानी से कुल्फी बनाई जा सकती है, वो भी तरीका बताऊंगी। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स मैंने और कट करके डाल दिए हैं, साथ ही साथ में अब ये सिल्वर फॉइल होता है ना, इससे ऊपर से हम अच्छे तरीके से पैकिंग दे देंगे इसमें, ताकि ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना जम पाए। तो चाहे तो मैं ढक्कन भी लगा सकती थी इसमें, पर इससे बहुत अच्छी पैकिंग हो जाती है,
छोटा छोटा सा चाकू से हम कट लगाएंगे जिससे कि ऊपर हम स्टिक डाल सके। बिल्कुल कुल्फी तैयार कर रहे हैं तो स्टिक्स तो होना जरूरी है। इस तरीके से मैंने सभी मोल्ड्स में स्टिक लगा दी है। अब मेरे पास में छोटी छोटी मटकी भी थी, उसमें भी नीचे नीचे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और ये जो यूज एंड थ्रो वाले कप्स आते हैं, वो वाले कप्स मैंने लिए हैं आइसक्रीम जमाने के लिए। तो ये वाले कप्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, ज्यादातर सभी घरों में होते हैं जो चाय कॉफी के कप्स होते हैं यूज एंड थ्रो के, उसमें आप बहुत बढ़िया सी कुल्फी जमा सकते हैं। तो मैंने मटकी में भी कुल्फी जमाई है, साथ ही साथ में इन कप्स में भी जमा दी है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से ऊपर नीचे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इनको भी ऊपर से सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे ताकि आइस क्रिस्टल्स ना जम पाए। तो देखिए घर पे कितनी आसानी से कुल्फी बनकर तैयार हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा झंझट भी नहीं है। आप दूध को उबालते रहिए, आप दूसरा काम कर सकते हैं, एक जगह खड़े होकर काम करने की भी जरूरत नहीं है। अब इस कुल्फी को मैं ओवरनाइट फ्रिज डीप फ्रीजर में रखने वाली हूँ जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मिल रही हूँ आपसे। रात भर मैंने उस कुल्फी को फ्रीजर में ही जमने दिया है। और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करिएगा इस मटेरियल को, मैं आपको बताना भूल गई थी, वरना जो कुल्फी है ना वो अच्छे से जमती नहीं है। तो जैसी कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताई है रनिंग वाली, उतना ही गाढ़ा करना है मिश्रण को, उसके बाद हमको उसको मोल्ड में डाल के जमने के लिए रख देना है। अब इसको डीमोल्ड कैसे करेंगे, पानी लिया है मैंने और पानी में इन जो मोल्ड्स को रख देंगे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, 30-40 सेकंड्स के लिए। और ये थोड़ा लुढ़क से रहते तो मैं धीरे धीरे संभाल के रख रही हूँ, वरना पानी में ना ये लुढ़क जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर ये नहीं लुढ़के बहुत अच्छे से, देखिए कुल्फी को हम डीमोल्ड कर ले रहे हैं पानी में, 30-40 सेकंड्स मैंने रखा और ये देखिए कितनी शानदार कुल्फी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसी तरीके से सारी कुल्फी को डीमोल्ड कर लेंगे। अब इस तरीके की कुल्फी बनाइए, घर में किसी से भी पूछिए तो मार्केट की खाना पसंद ही नहीं करेंगे, इतनी टेस्टी बनती है और बिल्कुल प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। तो ये तो मोल्ड में जो हमने जमाई थी कुल्फी मोल्ड में, वो कुल्फी मैंने निकाल के आपको दिखाई। और अब जो दूसरी कुल्फी बनाई है हमने, वो भी मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया आसानी से डीमोल्ड हो जाती है। तो ये जो कॉफी के कप्स में मैंने बनाई थी उसको भी पानी में तो नहीं डुबो सकते क्योंकि वो पेपर कप्स होते हैं, तो इस तरीके से हल्का सा हाथों से रगड़ लीजिए और ये देखिए कितनी शानदार कुल्फी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत आसान है, चाहे तो आप नाइफ से भी, नाइफ से नहीं सीजर से कट कर सकते हैं इस कप को और बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो एक में मैंने स्टिक नहीं लगाई थी, उसको इस तरीके से डिमोल्ड कर लिया है, वो भी बहुत आसानी से डिमोल्ड हो चुकी है। देखिए कितनी शानदार दिख रही है येलो कलर की, क्योंकि हमने केसर डाला है और गजब का फ्लेवर आया है, बहुत टेस्टी बनी है। तो मैं तो कई सालों से इसे घर पे ही बनाती हूँ, जब से घर पे बनाना शुरू किया घर वालों ने बाहर का खाना छोड़ दिया। इसी तरह की कंडीशन कुछ आपकी भी होगी जब आप इसे घर पे बनाएंगे, तो इन गर्मियों में इसे जरूर बना के देखिएगा, यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा। तो मिलती हूँ फिर एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।